फटाफट कितने मेरे लिए बना दिया चना, काले चने हैं, प्याज वाली डाल के नींबू वगैरह डाल के जो बनता है वो बने, चाय और रस्क नया नया पैकेट है, तो मैं दो पीस बचा तो मैं इसमें रख लेता हूँ, खा लेता हूँ, प्लेट में क्या लेना। ड्रेस मुझे बहुत खूबसूरत लगता है बिट्टू, हम जाएं ऑफिस, जाएं बिट्टू, जाएं, आप नहा लिए? मैं तो कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ? बाय बिट्टू, बाय। इसको लग रहा है जा रहा है। तो गाइस काम वाम हो गया, अब टाइम हो गया निकलने का, घड़ी नहीं लगा रहा, भाई चला रहा है दोनों के यहाँ फंक्शन है, अगर मैं एक लोग के यहाँ गया एक लोग के यहाँ नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे, साइज चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो भाई बुरा मान ही जाएगा आदमी। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जसवाल यूट्यूब चैनल। आप सब लोग को श्री शिवाय नमस्ते। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, पूजा पाठ हो चुकी है, मुझे ऑफिस जाना था, फटाफट किट्टू ने मेरे लिए बना दिया चना, काले चने हैं, प्याज वाली डाल के नींबू वगैरह डाल के जो बनता है वो बने हुए हैं, ये खाऊंगा, इसका नाश्ता करूंगा, फिर थोड़ा चाय और रस खाऊंगा, फिर निकलूंगा मैं यहाँ से, और खाना भी उसने बना दिया है, तो देखता हूँ क्या क्या सब चीज़ें हैं, तो इस वाले ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, लव यू ऑल, बने रहिए ब्लॉग में। चाय और रस्क नया नया पैकेट है, तो मैं दो पीस बचा तो मैं इसमें रख लेता हूँ, खा लेता हूँ, प्लेट में क्या लेना। बाकी मेरा ब्लॉग आ रहा है तो मैं ब्लॉग देख रहा हूँ, बाबू के बर्थडे वाला देख कर फिर निकलूंगा ऑफिस के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो कर ही लिया था इनके लिए, गुड मॉर्निंग क्योंकि नहा धो लिए हैं, नहा धो लिए, पापा ने नहलवा दिया क्योंकि मम्मा बोल रही थी आप ऑफिस चले जाओगे तो अकेले नहलवा नहीं पाएंगे, फटाफट बाबी को नहलवा दो फिर आप ऑफिस चले जाओ। नहा लिए बेटू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहाने के बाद ना ये मस्त हो जाता है एकदम, अब ये नहा लिया ना इसको मम्मी इसकी मिज्जी उज्जी कर देगी, थोड़ा पाउडर से इसके कपड़े वपड़े पहना देगी, फिर ये मस्त सोएगा, फिर ये मस्त सोएगा, फिर ये मस्त सोएगा, फिर ये मस्त सोएगा। ड्रेस मुझे बहुत खूबसूरत लगता है बिट्टू, हम जाएं ऑफिस, जाएं बिट्टू, जाएं, आप नहा लिए, आप नहा लिए किट्टू, देखो घुस गई वॉशरूम में, जाएं किसी दे दो, बाय। बना दिया है काले चने, ओए होए बहुत अच्छे लग रहे हैं, जल्दी करो बाबू रोने वाला, मुझे जल्दी से विदा करो, मैं जाऊंगा। रोटी ऐसे लगा धुआं गर्म कर लोगे एक बार फिर से फ्राई करो, फॉइल में दो, ऐसे रोटी मत दो वो छोड़ देता पानी ना, बटर पेपर खत्म होने वाला है ना, ज्यादा रोटी मत देना, चार देना बस, चार ही देना है। मैं तो कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, कुछ कहने वाली थी, कह दो जो मन में आए सब कह दो, और ये बाबू को वो डाल देना, घी लगा के दे दो, घी नहीं यार, घी भी मत लगाओ, इसी में राइस दे दो, अच्छा रोटी में ऐसे रख लेंगे, नहीं राइस में पन्नी दे रहे हैं ना, अरे वो दे रहे हैं ना टिफिन, राइस तुम्हें खाओगे हम तो खाएंगे नहीं, चम्मच दे देते इसका, क्या पता, अरे चम्मच जरूरत नहीं है कि वहाँ आता है चम्मच यार, ऑफिस में प्लेट चम्मच सब आता है, अब चलो तब तक कहाँ चलूँ मैं, जूता तो पहनूँ, जूता तो पहनूँ, वही पहन के निकलूंगा मैं, दे दे चावल दे दो, देखो क्या क्या खाना भी बना दिए, नाश्ता भी करा दिए, हर चीज करा के भेज रहे, खब काम भी हो गया, बच्चे भी देख लिए, नहला दिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन जल्दी करो लेट हो रहा है, उतने भी दे दो बंद करो, हाँ यार वो क्या आग लगाओ किसमें, देखो शुरू हो गया रोना उसका, जब तक वो चुप था तभी तक चुप था, अरे नहीं गर्म होता है, मैं निकल रहा बेटू, बेटू की दल्ला, बेटू की दल्ला, जल्दी आ जाइएगा,
जल्दी बाय बेटू बाय। इसको लग रहा है जा रहा है ये आदमी कहीं बाय। आदमी आदमी नहीं पापा बेटू बेटू को छोड़ के जाने का मन नहीं करता लेकिन क्या करें ऑफिस है जॉब है तो जाना पड़ेगा ही तो जा रहा हूँ कार से ही जाता हूँ आजकल क्योंकि कार से थोड़ा जल्दी हो जाता है मेट्रो में 2 घंटे लग जाते हैं भाई साहब बहुत घुमा के मेट्रो हो जाता है ना तो कार से ठीक है कार में एक्सपेंसेस ज़्यादा लेकिन ठीक है चलते हैं फिर सुबह में कल मेट्रो की गाड़ी खड़ी करके जाऊँगा। ये अपना खाना है इसको रख देते हैं इधर और हम हो जाते हैं बैठ जाते हैं निकलते हैं यहाँ से तो अब यहाँ से निकलते हैं ऑफिस के लिए। और गाइज कल बाबू का बर्थडे रहा अच्छा रहा 3 मंथ का मेरा बेटा हो गया देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब बेटा 3 महीने का हो गया और ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो मेरे लिए तो हमेशा छोटा ही रहेगा लेकिन समय के हिसाब से वो बड़ा होता जा रहा है बताओ अभी 3 मंथ का हो गया सही है ना सही है 3 मंथ का हो गया वो तो ला 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 अब यहाँ से 2-3 मिनट तो यहीं का रेड लाइट दिखा रहा है इसीलिए टाइम लग जाता है पहुँचने में बत्तियाँ ज़्यादा है ना। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ना यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है और ये कम से कम नहीं तो 10-12 से 15 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है और 15 किलोमीटर के रास्ते बिल्कुल आसान कर देता है इतना बढ़िया है ना ये मैं क्या ही बताऊं बिल्कुल आपको ट्रैफिक नहीं दिख रहा होगा इस पे मस्त वाला रहता है एकदम गाड़ी चलाने में भी मजा आता है इस पे। मुझे ना इस पे गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा लगता है और यही वाला रास्ता हमारे दिल्ली वाले घर पे भी जाता है अब दिल्ली के लिए भी यही रास्ता है दिल्ली वाले घर क्या दिल्ली के लिए भी यही रास्ता ही है काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मस्त एकदम बेहतरीन स्मूथ बस एक्सीलेटर पैर रख लो मस्त गाड़ी चलती रहेगी। तो गाइस काम वाम हो गया अब टाइम हो गया निकलने का घड़ी नहीं लगा रहा जरूर जरूर इसमें लगी होगी 7 बजने वाले हैं यार सौरभ का जो सोने की घड़ी है सोने की घड़ी है इसके पास लोग निकल रहे हैं यहाँ से अब चलेंगे घर के लिए। अब भाई साहब आराम से बैठ जाओ बैठने का अलग मजा है भाई चला रहा है तो मास्क क्यों लगा रखा तूने गाड़ी के अंदर पड़ गया बीवी ने बोल रखा है अबे देख करके इसको भाई बताओ यार ये बना हुआ है अंडरग्राउंड लगता है इस पे से जाते हैं लोग हैं कहाँ से अंडरग्राउंड पहुंच गया हूँ घर पे और किट्टू के लिए थोड़ा सा जूस ले लिया था जूस हाथ में लेना पड़ेगा कुछ वेजिटेबल्स और ये जूस इसको हाथ में पकड़ लेता हूँ गिर जाए चाबी तो निकाल घर पहुंचने में 9 बज गए बताओ दरवाजा आज बंद है लेकिन कैमरा मुझे देख रहा है पैरों का
मैं अभी सो रहा है। पट्टी किया था इसलिए नहीं सो गया, छोड़ के आया इसको पब्लिक के लिए। चलो जिंदगी पट्टी सुसु यही हो गई है। टिकियो क्या लो जी आपका जूस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पापा आ गया। स्माइल करते पापा को देख के। पापा के बिना थे अभी तक। पापा का वेट कर रहे थे। पुट्टी की हो, पुट्टी किया है, साफ कर दिए। अरे वाह, जूस तुमको ले आया करेंगे, डेली जूस पियो। पार्टी किए थे, पार्टी किए थे। फटाफट कपड़े वगैरह अपने चेंज कर लेता हूँ और मुंह हाथ धो लेता हूँ, फिर थोड़ा फ्रेश होकर फिर मिलता हूँ। आ गया ऑफिस से और आते ही बाबू की बहुत कंप्लेन मिली है कि मेरे जाते ही मम्मा को अपने खूब परेशान किया है, आज दिन भर किड्डो को परेशान किया है। जैसे मैं निकला हूँ किड्डो के, जैसे ही आप निकले क्या हुआ है? जैसे मैं निकला हूँ घर ऑफिस के लिए, बहुत ज़्यादा रो रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं तो सोची इनको कॉल करूँ, इनको बुलाऊँ, फिर मैं बोली नहीं यार इतने दिन बाद तो गए, फिर मैं बुलाऊँगी तो सही नहीं रहेगा, जाने दो मैं संभालती हूँ देखती हूँ। फिर रोते 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 कितना भी कोशिश की चुप हो जाए, नहीं चुप हुआ। फिर रोते 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 सो गया, ना उसको हम पाउडर लगा पाए ना कुछ कर पाए। तो फिर जब सो गया उसको कितने देर बाद हम उसको पाउडर सोते सो, जब सो गया तब उसको पहनाया कपड़ा वपड़ा तो सो गया। फिर उसके सोते कपड़ा पहन लिया। हाँ था नहीं, नहीं नहा करके तो सोता है, खूब खींच के सोता है। फिर तो एक दिन शाम को उठा था, सुबह हम लोग नहलाए थे, शाम को उठा। तो गाइज ये जा रही है सचिन भाई के यहाँ, और सचिन भाई का घर नए घर का गृह प्रवेश है भाई। सचिन भाई को बहुत बहुत बधाई हो। तुम जाओगी? यार जब कोई इतना प्यार से बुलाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी हो। वाह, तो क्या पहनोगी भाई? कितनी तारीख को है सचिन भाई का? 17 को। शाश्वत भाई के यहाँ कितनी तारीख को है? 16 को। अरे यार 16 को है, तो मैं शाश्वत भाई के यहाँ चला जाता हूँ, तो सचिन भाई के यहाँ चली जाओ, दोनों जगह रिश्ता निभाओ। ये बात ही सही है, सचिन भाई के तो बगल में ही है। ये आखिर क्यों नहीं जाएंगे उनके यहाँ घर के ग्रह? मैं सचिन भाई के यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं चली जाऊँगी। मैं तो वहाँ भी नहीं जाना चाह रहा, मतलब कि दूर काफ़ी पड़ेगा। हालांकि टिकट मेरा हो रखा है, अब किट्टो यही ना, बाबू को छोड़ करके किट्टो को अकेला जाना सही नहीं लगता। क्या है कि देखिए 2 घंटे का रास्ता है, जो इनका सचिन भाई का 2 घंटे का रास्ता है। और बिहार जब मैं राहुल मम्पी के यहाँ गई थी, मैं तो गई थी तो इतना, एक तो ना क्या होता है कि हम मतलब कि ट्रेन बहुत चेंज करना पड़ा, ट्रेन एक तो यहाँ से जाकर के पटना चेंज करो, पटना से फिर वहाँ जाने के लिए चेंज करो, फिर वहाँ से कितना दूर गाड़ी चेंज करो। तो बिहार तो बिहार ही होता है ना, बिहार तो बिहार ही होता है ना बाबू, बिहार तो बिहार ही होता है, मतलब बिहार तो बिहार ही कहा जाएगा ना। नहीं मतलब जो रूट था थोड़ा सा बहुत, लेकिन शाश्वत भाई वाला क्या कि दिल्ली से वैसे सीधे कटिहार का है। और इतना अंदर घर, इतना अंदर घर, हम तो पहली बार हम जब गए, हम लोग तो जैसे इतना अंदर कभी आज तक कभी गए नहीं है। हम लोग का घर भी मार्केट में ही है, तो पहली बार गांव भी, हम भी पहली बार ही इतना गांव देखे हैं, नहीं तो इतना गांव तो भी हम लोग गए ही नहीं है, हमारा कोई जैसे आना जाना भी कहीं नहीं हुआ था। तो वैसे उनका भी घर तो बहुत, बिहार तो बहुत, मतलब आप लोग बोलो कि आप भी तो गाँव के ही हो, गाँव के ही हैं, लेकिन होता ना कि एक होता है कि मेन रोड से बहुत अंदर जाकर हाँ। गांव एक होता है, क्या बोलते हैं गांव उसको भी बोलते हैं, कस्बा टाइप का है। तो हम लोग का कस्बा ना शुरू से हर जहां भी हम लोग जाते हैं ठीक है, देखते हैं साथ साथ। बताओ सचिन भाई का 17 तारीख को, सचिन भाई थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं यार, क्या मतलब उसी दिन एक दिन आगे पीछे कर लिया आप भी। नहीं तो होता है ना कि पंडित साइड भी तो निकलता है, ये सब तो पंडित के साइड से ही तो होता है, ये बात भी सही है। तो गाइस देखते हैं कि किधर जाएंगे, शाश्वत भाई के यहाँ जाएंगे, सचिन भाई के यहाँ जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन है। अगर मैं शाश्वत भाई के यहाँ नहीं गया तो सचिन भाई के यहाँ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए देखो दोनों लोग बराबर हैं, दोनों के यहाँ फंक्शन है। अगर मैं एक लोग के यहाँ गया, एक लोग के यहाँ नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे, साइज चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो भाई, बुरा मान ही जाएगा आदमी कि यार उनके यहाँ गए मेरे यहाँ नहीं आए। अगर मैं शाश्वत भाई के यहाँ गया तो मैं किट्टो को कह, मतलब कौन, भाभी भी जाएंगे ना, भाभी भी शायद जाए, कौन जाए,
तो मैं इनको भेज दूंगा, या सचिन भाई शायद खुद ही आएंगे तो लिवा के चले जाएंगे, इधर आना है शायद उनका, तो कह रहे थे अगर वो आएंगे तो खुद ही किट्टो को अपनी गाड़ी में लिवा के चले जाएंगे, तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगा, तो मैं भाई दोनों जगह रिश्ता निभा लेंगे हम लोग, उनके यहाँ भी इनके यहाँ भी, क्योंकि बिहार से 17 तारीख को रिटर्निंग ही है मेरा टिकट, तो पॉसिबल ही नहीं सचिन भाई के यहाँ पहुँचने का भी निकाली हो। हाँ जाने आने का दोनों निकाल दिए थे ना उसी टाइम। तो गाइस इन्हीं शब्दों के साथ इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 9 बजे आया हूँ, 9:30 बजे तक ये ब्लॉग आएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।